हेलो दोस्तों, टूरिज्म भारत पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम हमारे सभी सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दिया है। दोस्तों, हमें बेहद खुशी है कि हम आपके लिए अंडमान आइलैंड्स पर एक नई ट्रैवल सीरीज लेकर आए हैं। ये सीरीज 5 एपिसोड्स की है और इन सभी 5 एपिसोड्स में हम आपको अंडमान की कुछ बेहद खूबसूरत जगहों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, पहले एपिसोड में हम सेलुलर जेल घूमेंगे जिसे अंग्रेजी हुकूमत के दौरान काला पानी के नाम से जाना जाता था। लेकिन इससे पहले कि हम हमारी नई अंडमान ट्रैवल सीरीज की शुरुआत करें, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सभी ट्रैवल वीडियोस आप तक पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, हमारी अंडमान आइलैंड्स की ट्रैवल सीरीज के सभी एपिसोड्स जरूर देखें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि अंडमान आपको कैसा लगा। दोस्तों, अंडमान पहुंचने के लिए हमने कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर के लिए फ्लाइट ली थी। पोर्ट ब्लेयर अंडमान की राजधानी है और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारी फ्लाइट अंडमान पर लैंड करने से पहले हम अंडमान के सुंदर टापुओं को हमारी फ्लाइट की खिड़की से देख पा रहे थे। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि क्या इतनी खूबसूरत जगह सचमुच बे ऑफ बंगाल में कहीं हो सकती है। थोड़ा सा हम आपको अंडमान आइलैंड्स के बारे में बता दें। अंडमान एक द्वीपों का समूह है जो कि भारतीय टेरिटरी में आता है। इसके पश्चिमी तरफ भारत का बाकी हिस्सा है, वहीं इसके पूर्व और उत्तर दिशाओं में म्यांमार है। अंडमान के ये खूबसूरत द्वीप अंडमान और निकोबार आइलैंड्स यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आते हैं। इस यूनियन टेरिटरी की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के लिए फ्लाइट्स सबसे आसान माध्यम है। आप पोर्ट ब्लेयर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स कोलकाता, चेन्नई और बैंगलोर से ले सकते हैं। हालांकि भारत सरकार द्वारा संचालित जहाज सेवाएं भी चेन्नई, कोलकाता और वाइजैक के बंदरगाहों से उपलब्ध हैं, लेकिन जहाज के रास्ते पोर्ट ब्लेयर पहुंचने में आपको 3 से भी ज्यादा दिन लग सकते हैं। तो द चॉइस इज ऑल योर्स। तो दोस्तों, अब बिना किसी देर के चलते हैं अंडमान आइलैंड्स के पोर्ट ब्लेयर शहर में स्थित सेलुलर जेल की तरफ। दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद हम सेलुलर जेल देखने के लिए निकल गए। जब हम सेलुलर जेल के लिए बाय रोड जा रहे थे तो हम अंडमान के जंगलों को देखकर बहुत खुश थे। समुन्दर से सटी रोड पर चलते हुए इतने साफ पानी को देखकर आंखों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या वाकई में इतनी सुंदर भी कोई जगह है। यहां के पेड़ पौधे, नीला आसमान, दूर तक फैला समुन्दर, ये सब मिलकर एक बहुत ही मनोरम दृश्य बना देते हैं। अगर आपको सचमुच सुकून चाहिए तो अंडमान आपके लिए एक सही विकल्प है। दोस्तों, हम एयरपोर्ट के पास रुके थे और बाय रोड जब हम सेलुलर जेल जा रहे थे तो रोड से सटा खूबसूरत समुंदर, दूर दिखते हुए कुछ टापू और अंडमान की प्रकृति हमारे इस एयरपोर्ट से लेकर सेलुलर जेल तक की छोटी सी यात्रा को बहुत ही खुशनुमा बना रही थी। जब हम सेलुलर जेल पहुंचे तो हम वहां की विशालकाय आकृति को देखकर हतप्रभ थे। ब्रिटिश राज के समय बनी ये जेल कई कड़वे सच बयां करती है। इस जेल में अंग्रेज उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों को बंदी बनाकर रखते थे। इस जेल का निर्माण सन 1896 में शुरू हुआ था और ये 1906 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई थी।
इस जेल में 7 खंड यानी 7 विंग्स थीं और ये सभी 7 विंग्स बीच में एक टावर से जुड़ती थीं, जहां से अंग्रेजी गार्ड्स सभी विंग्स के कैदियों की निगरानी रख सकते थे। सेलुलर जेल में कुल 696 कोठरियां थीं और हर कोठरी का निर्माण इस तरह से किया गया था कि कोई भी कैदी वहां रहने वाले दूसरे कैदी से बात ना कर सके। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहां कैद स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को 2 साल तक ये पता नहीं था कि उनके भाई बाबा राव भी इसी जेल में कैद हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, योगेंद्र शुक्ला जैसे कई महान स्वतंत्रता सेनानियों को काला पानी की इस जेल में रखा गया था। सेलुलर जेल में रखे जाने वाले कैदियों पर कई अत्याचार किए जाते थे। उन्हें बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता था और उनके साथ गुलामों से भी बदतर सुलूक किया जाता था। उन्हें जानबूझकर तेल निकालने, रस्सी बनाने जैसे कई ऐसे कार्य कम समय सीमा में करने को कहे जाते थे जो कि असंभव हो, और कार्य पूरा न होने पर उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश राज के दौरान काला पानी के इस जेल में 80,000 से भी ज्यादा कैदियों को रखा गया था। दोस्तों, ये जगह अब एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है और कई सैलानी हर साल इसे देखने आते हैं। यहां की सेंट्रल विंग की छत पर जाकर आप सेलुलर जेल के इर्द गिर्द के नजारों को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। यहां की छत से आप सेलुलर जेल के समीप द्वीपों को भी निहार सकते हैं, जिनमें से एक है रॉस आइलैंड। तो दोस्तों, ये था हिंदी में हमारा अंडमान आइलैंड्स पर पहला एपिसोड। इसके बाद हम अंडमान पर 4 और एपिसोड्स लेकर आएंगे, तो हमारे चैनल को देखते रहिए। यदि आप इस एपिसोड को इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमें patreon.com पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, और सपोर्ट करने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, या एंड एनोटेशन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए patreon.com के हमारे लिंक पर क्लिक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपका सपोर्ट हमें और भी इंफॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियोज बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आप हमारे ट्रैवल और टूरिज्म से संबंधित ब्लॉग्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.tourismbharat.com पर विजिट कर सकते हैं। आप अगर घूमने के शौकीन हैं तो हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप इस वीडियो पर कमेंट करके हमारे साथ अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं। तो अब लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। देखते रहिए टूरिज्म भारत।